वसई विरार जिला अध्यक्ष रॉयस फरेल की अध्यक्षता में वसई बिजली विभाग कार्यालय पर जनता की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। रॉयस फरेल ने कहा कि बिजली विभाग कर्मचारी की लापरवाही से पिछले महीने वसई गांव में 13 साल के लड़के की जान चली गई। जगह जगह पूरे इलाके में बिजली की डीपी केवल ट्रांसफॉर्मर ओपन है, जिस कारण बारिश के मौसम में जान का धोखा है। पिछले 3 साल पहले इस बिजली विभाग को लिखित शिकायत दी गई थी, जिसके चलते काम पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, परंतु पेमेंट देने के बावजूद भी काम शुरू नहीं किया गया। बता दें, जांच पड़ताल के बाद बिजली विभाग के कर्मचारी और ठेकेदारों की मिलीभगत सामने नजर आई, जिस कारण बिजली विभाग के कर्मचारियों के ऊपर आरोप लगाते हुए रॉयस फरेल ने इस घपले को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। जब तक हमें लिखित आश्वासन नहीं दिया जाएगा, तब तक बिजली विभाग के कर्मचारियों को चैन से बैठने नहीं देंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस तरह का इशारा रॉयस फरेल द्वारा दिया गया।